उनके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं है, सीक्रेट जानना चाहते हो, क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मिनिमम कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये बातचीत नहीं हो रही है, ये किसी पर वजह से दूरियां आ गई हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए या क्या है उनके दिल के राज। सो चलिए कार से जानने की कोशिश करते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून, टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा सिर्फ उतना ही आपको रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। अगर आप लोग अपनी पर्सनलाइज रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ओके। व्हाट्सएप का नंबर भी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पाते हैं और आपकी पेड अपॉइंटमेंट्स पर्सनल रीडिंग्स आप बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। शफलिंग में स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम 3 बार अपने दिल में बोलिए और उनका इमेज अपने दिमाग में रखते हुए इन कार्ड्स के साथ कनेक्शन आपको बनाना है। सो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, ओके। सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो रीडिंग 2190 हमारी आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं क्या है आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए, क्या है उनके दिल के राज जो आपको नहीं पता है या आपको क्लैरिटी नहीं है, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या है व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में। सो व्यूअर्स जिस किसी के बारे में भी सोच रहे हैं क्या चल रहा है उनके दिल में इनके लिए। सो चलिए, ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। फाइन, सो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। सो चलिए स्प्रेड ले लेते हैं फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे पहले आई है। टू ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ कप्स, ओके, वाओ, सो कूल। टेन ऑफ स्वॉर्ड, ओके जी। सो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस लिखना नहीं भूलना है, आपके दिल में जो कुछ भी है, आप जो कुछ भी चाहते हैं अपनी लाइफ में कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख दीजिए, भर दीजिए फटाफट आपकी विशेष से कमेंट बॉक्स को। डेथ, रीबर्थ का कार्ड आया है, ओके। सो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी आई है। एम्प्रेस, ओके, वाओ, ओके जी। जैस देखिए जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड, ओके, मजिशियन एंड लास्ट कार्ड देख लेते हैं, हाई प्रिस्टेस, ओके। चलिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग एंड बहुत ही अमेजिंग से थॉट्स आपके पर्सन के आए हैं। सो देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर मेल है तो बहुत ही हैंडसम है और अगर फीमेल है तो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। एंड आप में से कई लोग ऐसे हैं कि आपने कम उन्होंने ज़्यादा इंतज़ार किया है आपका, है ना। आप तो पैशनेट रहे ही हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपसे ज़्यादा, आप में से कई लोग ऐसे हैं कि आपसे ज़्यादा वो पैशनेट रहे हैं इस रिलेशन में। कई बार तो हो सकता है आपको चिढ़ भी हुई हो कि क्या है ये, थोड़ा सा डिस्टेंस दो, थोड़ा सा गैप दो, थोड़ा सा पॉज दो, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो इस तरीके की बातें आपने भी बोली हैं और आपके पार्टनर ने भी आपसे ज़रूर बोली हैं, ओके। बट देखो,
आप में से कुछ लोग यहाँ पर नेचर लवर्स हैं, कुछ लोग बहुत ही प्यार करते हैं पेट्स हो सकते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं नेचर से, बर्ड्स के साथ, डॉग्स के साथ, कैट्स के साथ, कुछ भी ऐसे आप लोग के पास पेट्स हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग सोशल वर्कर दिखाई दे रहे हैं, आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर बैंकर्स भी दिखाई दे रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वेट करते रहते हैं, आज भी आपकी नज़रों में इंतज़ार है आपके पार्टनर का, बट वो इंतज़ार बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें आप दोनों के बीच में अचानक से बदली हैं, ठीक है? अचानक से एक नो कांटेक्ट, एक रिलेशन में पॉज, एक सन्नाटा सा आप दोनों की लाइफ में छा गया है। ओके, सो डेफिनेटली चीज़ें बदल गई हैं। पहले जैसे आपके पार्टनर अभी नहीं हैं, जैसे पहले थे वैसे अभी बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर बदल चुकी हैं। आपके रिलेशनशिप में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, ठीक है? चैलेंजेस कैसे, एक आप लोगों में हो सकता है कोई पेरेंटल इश्यूज हो, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ठीक है? एक ये हो सकता है कि आप दोनों में कोई कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो कुछ काफ़ी कुछ चैलेंजेस आप लोगों ने इस रिलेशनशिप के अंदर ज़रूर से ज़रूर फेस किए हैं। अगर हाँ तो लिखिए, एक बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कि क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए हैं अपने इस रिलेशनशिप के अंदर। दूसरा ये कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको पहले, अगर उनको आपके बारे में बिल्कुल क्लियर थिंकिंग नहीं थी, कुछ कन्फ्यूजन्स थे पास्ट में, लेकिन धीरे धीरे कर कर करके अभी उनको क्लैरिटी आ रही है आपके बारे में, ठीक है? अभी वो कुछ ऐसा डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे कि वो आपसे मिलें। रियूनियन की थिंकिंग्स उनके दिमाग में आती हुई दिखाई दे रही है। अब उनका जो विजन है आपको लेकर के, जो एक सोच है आपको लेकर के, वो साफ होती जा रही है। पहले अगर कुछ कन्फ्यूजन्स रहे हैं, डाउट्स रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, क्लैरिटी नहीं रही है, स्टेबिलिटी नहीं रही है, तो अभी ये चीज़ें ज़रूर इम्प्रूव हो रही हैं कि आपके पार्टनर अभी चीज़ों को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, ठीक है? अगर पहले उनको ऐसा लगता था कि कुछ प्लान्ड नहीं है चीज़ें, या कुछ इसका अंत क्या होगा इस रिलेशनशिप का, इस ये रिलेशन कहाँ जाएगा, तो अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये क्लैरिटी भी आ रही है, ये प्लान्स भी बन रहे हैं कि ये रिश्ता कैसे ठीक हो और कैसे इस रिश्ते में सक्सेस आए, ठीक है? एंड बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आज आपकी उनको याद आ रही हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कई सालों से साथ हैं, ठीक है? एंड मतलब आपने हर बात शेयर की है, आपने हर इमोशन शेयर किया है, बहुत केयरिंग आपने, आपका नेचर रहा है हमेशा आपके पार्टनर के पास। लेकिन एक टाइम ज़रूर ऐसा आया कि आपके पार्टनर ने आपसे मुंह फेर लिया, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में ये करीब 10 महीने से चल रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में अभी रीसेंट हो सकता है, बट यहाँ पर आपके पार्टनर ने अचानक से ही एक एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, नो कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, आपको हो सकता है ब्लॉक भी कर दिया हो, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, बट चीज़ें अचानक से बदली हैं, ठीक है? क्या रीज़न हो सकता है बदलने का, वो ये कि आपके पार्टनर ने ना काफ़ी कुछ चीज़ें ज़रूर आपसे कुछ हाइड की हैं, छुपाई हैं, उनके दिलो दिमाग में, मन में क्या है वो आपको नहीं उन्होंने बताया है। सो एक पॉसिबिलिटी ये भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में, इनके पास्ट में, इनके बचपन में कुछ इस तरीके की चीज़ें इनके साथ हुई हैं, या कुछ ऐसा इन्होंने एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से ये कमिटमेंट से डरते रहे हैं या डर रहे हैं, ठीक है? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि घर में ही कुछ ऐसे वायलेंस देखे हों, या घर में ही कुछ इस तरीके की घटनाएं उन्होंने देखी हों जिसकी वजह से उनका डर दिमाग से जा नहीं रहा है कि ये चीज़ें आप दोनों के साथ ना हो जाएं, ठीक है? तो जो भी कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, दिलो दिमाग में छाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही बंद करके रखते हैं, आपसे ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, ना किया है। मेडिटेशन करते रहते हैं, सोचते हैं अभी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में आप चल रहे हो। सो चीज़ें पास्ट में जो हुई हैं, हो सकता है आपके साथ क्लैरिटी दें, बहुत जल्द आपको, आपसे बात करें। क्यों? क्योंकि अभी आप
को मैनिफेस्ट करते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक मैजिक है, आपके अंदर एक जादू सा है आपके अंदर, जो आपका जादू जो है ना वो उनके ऊपर हमेशा छाया रहता है। एंड आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है अभी उनको, पहले हो सकता है नहीं हुआ हो, या पहले हो सकता है चीज़ें अलग रही हों आपकी लाइफ में, एंड धीरे धीरे करके चीज़ें ना एक पॉजिटिविटी की तरफ इनका दिमाग जा रहा है। कुछ डाउट ज़रूर है इनकी ज़िंदगी में, कुछ हुआ ज़रूर है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, डेफिनेटली देखो, आपका वेट भी कर रहे हैं, वो चाहते हैं आपसे रीयूनियन करना, रिकॉन्सिलेशन करना वो चाहते ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ऐसा डाउट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो उनको परेशान कर रही हैं। ठीक है, आप उनके ख्यालों में रहते ज़रूर हो, ठीक है, आपके लिए प्यार भी बहुत ज़्यादा है, और उनको पता है कि आप बहुत, मतलब आप एक केयरिंग इंसान हो, है ना, आपने हमेशा चीज़ों को संभाला ही है, राइट, आपने ही रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले हैं, एंड प्रैक्टिकल हो आप, केयरिंग भी हो, स्टनिंग हो, ग्रेसफुल हो आप, राइट, एक होता है ना एक बॉन्ड, एक कनेक्शन जो अंदर से फील होता है। बट कुछ प्रॉब्लम्स के चलते या कुछ परेशानियों के चलते हम कभी कभी इग्नोर करते हैं, हम नहीं ज़्यादा डीप जाते हैं, बट उस चीज़ का भी इनके ऊपर ना प्रेशर भी यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। आप में से जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस के बावजूद भी काफ़ी इंटेंस फीलिंग्स आज आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही हैं, आपके लिए केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो बहुत कैजुअल मीटिंग में मिले हो, मतलब ऐसे चलते फिरते मिल गए, तो कैजुअली आप में से बहुत ज़्यादा लोग मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग देखो, कहीं ना कहीं आप लोग भी जानते हो कि आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के डिलेमा में हो, सोच रहे हो कि कब तक फीलिंग से दूर भागेंगे, है ना। एंड वो काफ़ी, देखो आपके पार्टनर जो है ना वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, सक्सेसफुल हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, राइट, एंड आप लोगों का जो ये मिलना बिछड़ना है ना, ये लगा रहता है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका ये मिलना बिछड़ना, आना जाना, मतलब लगा ही रहता है ऑन एंड ऑफ में, ना तो एक्सेप्ट करते हैं और ना ही जाने देते हैं, है ना। और उनको देखो ये लगता है, बिल्कुल डेफिनेटली आपके पार्टनर की फीलिंग्स यही आ रही है कि आप ना सबसे अलग हो, आप हो ही नहीं दूसरों के जैसे, कुछ तो आप में ऐसी बात है जो आपको अलग बनाती है। आपकी स्माइल, आपके बाल, आपकी आईज, आपका एक, आपके अंदर जो एक दया है ना दूसरों के लिए, आपके अंदर जो प्यार है, केयर है दूसरों के लिए, वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती है। पहले हो सकता है आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, लेकिन अभी चीज़ें, दूरियों ने चीज़ें बदल दी हैं, ठीक है। इस रिश्ते में कन्फ्यूजन ज़रूर है, ठीक है, कन्फ्यूजन्स है, स्टेबिलिटी नहीं है दिखाई दे रही है, अभी कुछ अनस्टेबल सा रिश्ता है आप दोनों का, कुछ अधूरापन, अकेलापन ज़रूर है, ठीक है। बट हाँ देखो, जैसे चीज़ें दिन और रात कभी एक से नहीं होते, बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, ऐसे ही समय भी बदलता है। आज अगर अच्छा है तो कल बुरा होगा, अगर बुरा है तो अच्छा समय ज़रूर आएगा। सो डेफिनेटली चीज़ें बहुत खूबसूरत होती जा रही हैं, राइट, मैनिफेस्टेशंस भी इनकी चालू हैं, आपका वेट भी कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर करेंगे, और बहुत जल्द आपको कोई ना कोई मैसेज आएगा, या बहुत जल्द आपके पास कुछ ना कुछ उनका एक गिफ्ट आ सकता है, कुछ ऑफर आ सकता है, बहुत, क्योंकि आज इस रिलेशन में ना एक बहुत वाइब्स यहाँ पर एक पॉजिटिव आ रही है अंदर से, थोड़ा उनको ये पता है, देखो उनको ये पता है, उनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा टूट चुके हो अंदर से, ऐसा उनको पता है कि उनका कहना, उनका, उन्होंने जो भी आपसे बोला ना, उसने आपको अंदर से बहुत तोड़ दिया है, बहुत अकेला फील कर रहे हो आप, ये चीज़ का एहसास उनको है। आप भी अधूरे हो और वो भी अधूरे हैं, ठीक है, ये चीज़ उनको पता है। एंड ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होते हो, परेशान होते हो, एंड डेफिनेटली डेथ रीबर्थ का कार्ड यही बता रहा है कि बहुत जल्द ये इस नेगेटिव सिचुएशंस को ख़त्म करना चाहते हैं, और एक रीबर्थ, वापस से एक नया बर्थ, वापस से एक नया रिश्ता आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली क्लैरिटी चाहते हैं, किसी भी झूठ के साथ, किसी भी
ऐसी बात के साथ या ऐसे सीक्रेट के साथ वो आपके साथ रिश्ता नहीं शुरू करना चाहते हैं, या फिर अगर आपकी आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों के साथ वो आपके साथ रिश्ता नहीं शुरू कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सो जो भी सिचुएशंस उनकी लाइफ में अभी है उसको डेफिनेटली ये चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, खुद को भी बदल रहे हैं, आसपास की सिचुएशंस में भी देख रहे हैं किस तरीके से बदलाव आ सकता है और ये रियूनियन या फिर ये रिश्ता वापस से कैसे ठीक हो सकता है। सो सॉरी भी फील कर रहे हैं, गिल्टी भी फील कर रहे हैं एंड खुद को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं। चाहते हैं आपसे बात करना, चाहते हैं रीयूनियन, चाहते हैं रिकॉन्सिलेशन, और अगर आप भी चाहते हैं तो लिखिएगा ज़रूर रीयूनियन। लेकिन अगर आप लोग मूव ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ चुके हो, अब आप इस पार्टनर का वेट नहीं कर रहे हो, तो ज़रूर लिखिएगा मूव ऑन। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कुछ इनके इमोशंस हम ले लेते हैं, मैसेजेस ले लेते हैं। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, आई एम बिकमिंग बेटर पर्सन नाउ। सी जस्ट आई टोल्ड यू, ठीक है, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो एंड वही चीज़ कार्ड आया है, यू मीन वर्ल्ड टू मी, आप उनके लिए सारी दुनिया हो, ठीक है। खुद को बेटर कर रहे हैं और एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो ताकि जो भी चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई हैं खुद को बदल रहे हैं। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन आई हैव एवर मेट, सो आप सबसे खूबसूरत इंसान हैं जिससे वो अभी तक मिले हैं। आई विल बी बैक, प्लीज़ नो दैट आई विल ऑलवेज रिटर्न टू यू, प्रोमिस। सो बहुत जल्द आपके पास वापस आएंगे, अपने दिल की बात आपसे बोलेंगे, और ये कार्ड ये बता रहा है कि वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे ज़रूर। आई स्टे अ वे टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मी, सो जो भी कुछ नेगेटिविटी इनकी ज़िंदगी में है, जो कुछ कुछ भी सीक्रेट्स इनकी ज़िंदगी में है जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप परेशान हो जाओगे, सो वो चीज़ों से दूर अभी आपको रख रहे हैं, वो परेशानियाँ अभी आपको नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको परेशान कर चुके हैं, दुखी कर चुके हैं, सो और बातें बता करके अभी दुखी नहीं करना चाहते हैं। आई एम सो टायर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू एनी मोर, सो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो क्या करें और कैसे करें। व्हेन आई थिंक अबाउट यू इट टेक्स एवरीथिंग आई हैव इनसाइड टू नॉट रीच आउट, मिस यू। सो जब भी आपकी उनको याद आती है, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, सो उनके दिल में बहुत बेचैनी होती है, आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो आप तक रीच आउट कैसे करें और आप तक कैसे पहुँचें। सो ये थे आज के कार्ड, ये थे आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे, अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का, नहीं किया है तो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111 बजरंग बली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना नहीं बोलना है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।